नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं इंडियन एवं वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर देखते हैं। भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल और वर्ल्ड विश्व का भूगोल के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? तो याद रखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। अगला है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया गया? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। अगला है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। अगला, विश्व की अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन। अगला है, मिसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला है, कनाडियन नेशनल रेलवे रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। अगला है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। अगला है, विलय खिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, अफ्रीका की उत्तर उत्तमाशा अंतर्द्वीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्तोलोमेउ लियाज को। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। अगला है हमारा, चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट से। अगला है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? गॉडविन ऑस्टिन की 8,611 मीटर। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर। अगला है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। अगला है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली इटली में। अगला है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मरे डार्लिंग। अगला है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने। अगला है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल वेनेजुएला में। अगला है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। अगला है, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। अगला है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को। अगला है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर? अगला है, दहस्ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला है, माओरी जनजाति निवास करती है न्यूजीलैंड में। अगला है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। अगला है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला है हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। अगला है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई? मंगल को। अगला है, उत्तर अमेरिका में स्थित माउंट मेकली किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। अगला है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। अगला है, लंदन की किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन, तो यह टेम्स नदी के तट पर। अगला है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान को कौन सी है? कोलार की खान। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। अगला है, किस देश की के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। अगला है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। अगला है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। अगला है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। अगला है, भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला है, विलय खिल ब्लू पर्वत ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में है? अमेरिका। अगला है, वेद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं।
अगला है हमारा, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। अगला है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? छिद्र ग्रह। अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अगला है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? चंबल नदी पर। अगला है, जोजिला दर्रा किन 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 को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। अगला है, ए एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? इग्लू। अगला है, नदियों के ज्वार नद मुख में कीचड़ वाले किनारों के पास के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाली ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? गरान या मैंगो। मैंगो। अगला है, बुम्ब कूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी सेल में। अगला है, वुअर बांध किस नदी पर बनाए गए? कोलो रेडो पर। अगला है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। अगला है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। अगला है, ओबेरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। अगला है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में। अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई थी? अगला है, यह 1902 में शिवा समुद्रम में। अगला है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। अगला है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार की। अगला है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में? मेघालय में। अगला है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में? बस्तर में, सॉरी लेकिन अब बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। ठीक। अगला है, राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज से। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। अगला है हमारा, सरदार सरोवर किस राज्य में? गुजरात में। अगला है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में? बिहार में। अगला है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। अगला है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। अगला है, रबात रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। अगला है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो है 752.3 लाख हेक्टर। अगला है, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23। अगला है, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सेरा लियोन की। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया। अगला है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जेम्बजी नदी पर। अगला है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। अगला है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? स्वेज एवं स्वेज तथा पोर्ट सईद। अगला है, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। अगला है, वक्केश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। अगला है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। अगला है, वन विज्ञान तकनीक एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलोर में। अगला है, पश्चिम बंगाल का टीटा मठ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखाने में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। अगला है, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की। अगला है, बेम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? केरल में। अगला है, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है? कलकात्मा में। अगला है, वेरोमीटर कपारा या कायक एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी मौसम का। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिफ रेखा द्वारा।
अगला है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। अगला है सोफिया किस देश की राजधानी है? बल्गेरिया की। अगला है मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क में 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में स्थित है? तो बाड़मेर व जैसलमेर में। चलिए तो हम लोग भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चनों देख रहे हैं और उनके आंसर। रीटर द्वारा रचित अर्ण कुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। अगला है धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अगला है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। अगला है राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? सरसों की। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो है फेडरिक रेट जेल। अगला है ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला है थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा। अगला है सुपियर झील और ह्यूरन झील के बीच सेंट मैरी पिपात से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? सू नहर। अगला है लैंड ऑफ रिसिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। अगला है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होनशू। अगला है राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलज से। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। अगला है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की उछलने वाली पवने होती हैं व्यापारिक पवने। अगला है सीवान झरिया कुंदेमुख तथा सिंहभूमि से में से लोह क्षेत्र कौन सा है? कुंदेमुख। अगला है ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। अगला है पृथ्वी की निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र। अगला है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। अगला है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। अगला है मरुस्थली पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। अगला है भूगोल में नवनीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी टेर ने। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अगला है सवाना घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अगला है किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर को। अगला है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। अगला है भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,716.5 किलोमीटर। अगला है भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। अगला है दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? एमंड सन नॉर्वे के। अगला है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6,960 किलोमीटर मीटर है सॉरी मीटर है? आकोंकागुआ। अगला है ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वाल। अगला है घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? राजस्थान के। अगला है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। अगला है विश्व की सबसे गहरी गुफा एटिया कनाडा की लंबाई कितनी है? 1,500 मीटर। अगला है नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। अगला है चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? मैक्सिको में। अगला है कोडरमा किस खनिज का खनन करता क्षेत्र है? अभ्रक का। अगला है क्लाइमो ग्राफ में प्रदर्शित दशाएं आद्यवल तापमान अपेक्षिक आद्यता।
अगला है पर्वत शिखर लाहौल से किस देश में है? नेपाल में। अगला है तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जे फ्रिज। अगला है फोर्ट ओ फिन्स तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानी है? फोर्ट ओ फिन्स हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन तिनी दाद और टोबेगो की राजधानी है। अगला है स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। अगला है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में? इक्वेडर में एंडीज पर्वतमाला में। अगला है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। अगला है हीराकुंड योजना किस राज्य में है? उड़ीसा में। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? 49वीं समांतर रेखा से। अगला है दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। अगला है लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अग्नेय चट्टानों में। अगला है मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? स्पेन में। अगला है कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर। अगला है सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के। अगला है न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला है मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? सेनकोना की छाल से। अगला है महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अगला है लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। अगला है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार में। अगला है वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। अगला है वैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस में। अगला है छोटा नागपुर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगला है मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? गुजरात में। अगला है सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? केरल में। अगला है चीड़ फरिस्फूस तथा लार्ज पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? टैगा वनों में। अगला है अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अगला है एल मिश्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में। अगला है सराजेवो किस देश की राजधानी है? बोस्निया व हर्जेगोविना गोइना की। अगला है क्यू रोसियो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। अगला है फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। अगला है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में। अगला है लेबनान की राजधानी है बेरूत। अगला है योट किस प्रजाति का घर है? खिरगीज का। अगला है वेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों का अलग को अलग करता है? तो अलास्का तथा रूस को। अगला है ब्राजील में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली। अगला है हमारा भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय है बेंगलोर में। अगला है भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में। अगला है क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस तथा और जापान के बीच। अगला है कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? सिंगापुर। अगला है घना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पाक जल डमरू किस दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। अगला है विशाखापट्टनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष 1957 एवं 1965 में हुई थी क्रमशः विशाखापट्टनम में 1957 कोयली गुजरात में 1965। अगला है भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया? गंगानगर। अगला है विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। अगला है किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिसमें वह है जिसे महाद्वीप महाद्वीप महाद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? यूरोप है। ठीक है। अगला है कौन सा एशियाई देश विश्व में जल यान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? जापान। अगला है भारत के कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का
संगम होता है अलकनंदा एवं पिंडार का। अगला है मुथुवान, मलकुरवान एवं सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल में। अगला है महासागरों का निर्माण किस चट्टान से होता है? बेसाल्टिक चट्टान से। अगला है यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भूज हलचल के समय हुआ है? तो हार्सिनियम भू हलचल। अगला है गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयला के लिए। अगला है कोयले के भंडार में भारत का गृह राज्य है झारखंड। अगला है कांजीरंगा अभयारण्य है असम में। अगला है केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान है नागपुर में। चलिए तो हम लोग भारत और विश्व का भूगोल देख रहे हैं। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो है पेट्रो रिफाइनरिंग के उद्योग के लिए। अगला है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो है जम्मू कश्मीर। अगला है कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में? चिली में। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? यह बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। अगला है बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? अपर वोल्टा का। अगला है कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों में बीच है? पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। अगला है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी तथा अलकनंदा संगम पर। अगला है ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो यह काल गुल्लो और कूल गाइडी। अगला है बुडापेस्ट बुखारेस्ट वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित हैं? डेन्यूब नदी के। अगला है देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो यह महानदी पर है। याद रखिए हीराकुंड बांध महानदी पर है और लंबाई इसकी 4800 मीटर। अगला है क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? पारे को। अगला है हमारा भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? इलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तावा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। अगला है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक लहर है कील नहर। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की। अगला है पाइरो वलास्टिक्स क्या होता है? तो ज्वालामुखी से निकलती हुई चट्टान है। अगला है अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। अगला है किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामी क्षेत्र को। अगला है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? सतलज ब्यास से। अगला है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर के समय है 88.5 डिग्री ईस्ट। अगला है भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला है राणा प्रताप सागर जल विद्युत जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी पर। अगला है अफ्रीका के उत्तमाशा अंतर्द्वीप केप ऑफ गुड की खोज किस नाविक ने की थी? तो यह था बार्थोलोम्यू डियाज। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो यह 1884। अगला है कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। अगला है भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? बेंगलोर। अगला है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। अगला है विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? तो है बेरेन द्वीप। अगला है वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भूवैवर्तनिकी सिद्धांत। अगला है लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। अगला है आंध्र प्रदेश का बंगम पल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है?
है हीरा के भंडार के लिए। अगला है भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका। अगला है मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और तथा श्रीलंका। अगला रेगुर क्या है? काली मिट्टी है। अगला है ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला है अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? जो मंडल में। अगला है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे, तो ये थे अनिक चेमेंडर। अगला है भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर। अगला है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। अगला है भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती है? जम्मू कश्मीर। हाँ अगला है महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। अगला है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। अगला है जोजीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। अगला है कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। अगला है भारत में चंदन की सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला है हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। अगला है विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला किस क्षेत्र में है? यूक्रेन। अगला है महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? इंदिरा पॉइंट। अगला है कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो केरल कर्नाटक तमिलनाडु। अगला है काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। अगला है वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला है बोकारो तथा भिलाई स्थित लोहे इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला है मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये केरल में। अगला है देश का सर्वप्रथम सुपरफास्ट फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट चेन्नई में। अगला रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में एमपी में। अगला है हल्दिया तेल शोधन कारखाना किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला है जौनसारी खरवार तथा थ्रग्याऊ जातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र में कंपनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर की। अगला है थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? केरल में। अगला है नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो ये तमिलनाडु से। अगला है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का विकास स्तंभ कहा जाता है? तो यह स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। अगला है जोजीला दर्रा किस किसको जोड़ता है? तो लेह तथा श्रीनगर को। अगला है हमारा पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? कोरोमंडल तट दक्षिण भाग और काकीनाडा तट उत्तर का भाग। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अगला है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांका गुआ। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में है? दक्षिण डकोटा। अगला है रेहन्द योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगला मैगी नॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी एवं फ्रांस। अगला है जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। अगला हमारा सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। याद रखिए मिसिसिपी और मिसौरी पंजाकर डेल्टा बनाती हैं। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? महाराष्ट्र। अगला है भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगो
फांग वर्णन किया जाता है भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। अगला है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? पुणे में। अगला है, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में? अफगानिस्तान में। अगला है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्वी दिशा में। अगला है हमारा, शारजाह है कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? सिरियस। अगला है, अफ्रीका देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। अगला है, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। अगला है, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? इस मंगोलिया में। अगला है, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में है? तो यह बैकाल झील है, रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, रूस में स्थित। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल की बात, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन बीच होकर कौन सी मध्यान रेखा गुजरती है? तो यह विधान मध्यान रेखा। अगला, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो है रिप्ट घाटी का। अगला, हम्बोल्ट धारा किस नदी किस तट के नजदीक से बहती है? तो यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से। अगला है, मा आरी जनजाति निवास किस देश में? न्यूजीलैंड में। अगला है, सुवा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? सुवा देश कहाँ है? तो फिजी की राजधानी है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। अगला है, देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ गुजरात में। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो यह गोविंद सागर झील। अगला, एटना स्टम्बोली फ्यूजीयामा और विसुवियस ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? तो विसुवियस। अगला है, ओंगे जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान निकोबार में, अंडमान द्वीप में। अगला है, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप द्वीप। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। अगला है, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? समुद्रिक शैल। अगला है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। अगला है, रावी चेनाब झेलम तथा ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत केवल भारत में ही प्रभावित होती है? तो ब्यास। अगला है, मयूरभंज क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लोय खाने किस राज्य में है? तो याद रखिए उड़ीसा में। अगला है, मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? तो 1500 में डी गोदियाज द्वारा। अगला है, देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह कर्नाटक। अगला है, कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु है। अगला है, वेरिंग जलडमरू किस देशों को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को। अगला है, राजमुंद्री में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? केंद्रीय तंबाकू तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। अगला है, भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये केरल में है, याद रखिए। अगला है, लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है? प्रवाल द्वीप। अगला है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला है, नॉट किसका मात्रक है? तो ये वायु की गति का। अगला है, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला है, सैनी ओलचू पर्वत शिखर किस राज्य में? सिक्किम में। अगला है, हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? सवाना प्रदेश में। अगला है, पृथ्वी किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। अगला है, लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणीय। अगला है, पनियान व इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? केरल में।
अगला है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यूरेनस। अगला है, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तर अटलांटिक मार्ग। अगला है, उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा तीन तीनों महाद्वीप को छूती है? तो ये भूमध्य सागर। अगला है, मोरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? न्यूजीलैंड। अगला है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु। अगला है, नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पर्वत श्रेणियों का। अगला है, दो ज्वारों के बीच कितनी समावधि का अंतर होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट। अगला है, कील नहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। अगला है, स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर। अगला है, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? टेगा जलवायु क्षेत्र में। अगला है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। अगला है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। अगला है, पाक जलडमरू किन दो देशों को अलग करती है? तो ये भारत और श्रीलंका। अगला है, दमिश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की। अगला है, वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। अगला है, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो यह आयन मंडल। अगला है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन मंडल। अगला है, भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक। अगला है, क्यूराल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है? रूस जापान के बीच। अगला है, भारत के रूप नारायणपुर के किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? केवल उद्योग के लिए। अगला है, मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। अगला है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है। अगला है, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। अगला है, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के। अगला है, हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? बुध और शुक्र। अगला है, किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगला है, इरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात। अगला, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर स्वेज नहर जल मार्ग से गुजरते हैं, ऐसा क्या है? जाते समय पछुआ पवने अनुकूल होती हैं, लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। अगला है, ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला है, वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्रता रहती है? प्रातः काल। अगला है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का सबसे सामान्य कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। समय होता है इसका जून से सितंबर तक। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? अल मसूदी। अगला है, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? यह गोदावरी नदी। अगला है, कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? काराकोरम श्रृंखला। अगला, अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? फिल्लार। अगला, किस मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाती है कहलाती है? आइसोप्लीथ लाइन। अगला है, दोलन सिद्धांत। अगला, दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? हरमन महोदय ने 1930 में। अगला है, भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। अगला है, पृथ्वी सूर्य के परिता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो है 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 365 दिन में है 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग घूमता है, 365 दिन मैं ये पूरा कर देता है। ठीक है।
365 1/4। अगला है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। अगला है हमारा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी? पारसनाथ। अगला ताशकंद समरकंद, अगला है हमारा ताशकंद समरकंद बुखारा नगर किस देश में है? उज्बेकिस्तान में। अगला है, कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। अगला है, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। अगला है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? पातालीय अग्नेय शैल में। अगला है, मैरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? फिलीपींस में। अगला है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह दामोदर नदी पर। अगला है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। अगला है, सोवा किस देश की राजधानी? फिजी की। अगला है, कोलंबिया का पठार किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय प्रदेश से। अगला है, सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। अगला है, काजीरंगा पशु अभ्यारण किस राज्य में? असम में। अगला है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एकांकागुआ। अगला है, श्री सैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर। अगला है, फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? भूपृष्ठ कि प्राकृतिक लक्षणों का। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? पश्चिमी तट। अगला है, पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। अगला है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो यह तंजानिया, कीनिया और जायरी। अगला है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला है, भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। अगला, रेजिन तारबीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड वार्निश कीटनाशक तथा सेल्यूलोज के निर्माण में। अगला है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए। अगला है, मुंबई तथा दिल्ली की दूर संचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा। अगला है, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? हल्दी। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। अगला है, उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। अगला है, पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। अगला है, मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके। अगला है, भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहां खोला गया? कानपुर में। अगला है, इदुकी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? केरल में। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश में। अगला है, नैन्सी किस देश के प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस के। अगला है, भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया? 8। अगला है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी में, इक्वाडोर में। अगला है, तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। अगला है, तिस्ता नदी किस विद्युत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? तो यह ब्रह्मपुत्र। अगला है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। अगला है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तरांचल राज्य में। अगला है, कुफड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तमिलनाडु में। अगला है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में किन दो स्थानों को जोड़ती थी? कलकत्ता और पेशावर को। अगला है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है?
प्लूटोनिक चट्टानों में। अगला, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। अगला है, गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सी पत्थर निकाली जाती? सफेद संगमरमर। अगला है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी। अगला है, भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अगला है, भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? पुणे में। अगला है, किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी गई? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी। अगला है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो यह तंजानिया, केनिया और जायरे। अगला है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है? जून से सितंबर। अगला है, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तटबंध। अगला है, गंगा नदी दो प्रमुख स्रोत बनाती है? भागीरथी, अलकनंदा। अगला, लैंच डाउन हिल स्टेशन किस राज्य में? उत्तरांचल, उत्तराखंड। अगला, शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी। अगला, गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? अमूल। अगला, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में विख्यात है? पाक स्ट्रेट। अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस देश में जाने पर एक दिन बढ़ता है? पूर्व से पश्चिम। अगला, पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है? अंटार्कटिका पर। अगला है, भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? दो। अगला है, भारत विधान या मुद्रा के किस ओर पड़ता है? पूर्व में। अगला है, लोगों और पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास, त्रयास, प्रवास। अगला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके भी चक्कर लगाता है? मंगल और बृहस्पति के। अगला है, खासी और गारो जयंती मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? जातियां, मेघालय में। अगला है, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट चट्टान। अगला है, ग्रेट डक्कन रोड वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। अगला है, लारेसिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित था? टैथिस सागर। अगला है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर में। अगला है, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है? गोदावरी। अगला है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी। अगला है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? 1986 में। अगला है, कोटोपेक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। अगला है हमारा, मैक्सिको स्थित चिहुआ हुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? चांदी के लिए। अगला है, बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? हीरे के व्यापार के लिए। अगला है, फेरी डायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिकों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। यह व्यक्ति कौन है? हेकेटी। अगला है, अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को। अगला है, एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता। अगला है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है तो बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अगला है हमारा, यूरेनियम यूरोपीय निम्न देशों में शामिल देश हैं? नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवृत देश कौन सा है? मंगोलिया। अगला है, तमिलनाडु का डेंडीगोल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू और सिंगार। अगला, उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा। अगला, तमिलनाडु राज्य के पूर्वी पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का पाया जाता है? विस्तार है, लाल मिट्टी।
अगला है, वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो है पोप गेगरी ये 13 को, 13 को, पोप गेगरी 13 को। अगला, नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय सागरों लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण ना होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एस्चुरी या अवरुद्ध नद मुक्का। अगला, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट चट्टान से। अगला, ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच। अगला, पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाला गर्म जलधारा क्या है? कहलाती अलिनो। अगला, मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? भूमध्य सागरीय। अगला हमारा, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जाति जनजाति क्या है? बुशमैन। अगला, शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइटिक। अगला, पाइन सिल्वर थर तथा रोडेंडोनेंस इत्यादि वृक्ष हिमालय के क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। अगला है, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट से। अगला, इटली में लाल वारिस जिसे रक्तवृष्टि कहते हैं कराने वाली हवा का नाम है? सिरोको। अगला, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। अगला है, पुलिकट एक वलयाकार लैंगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। अगला है, पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है कांगो बेसिन में। अगला है, मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लेदांग। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे भारतीय भारत और वो विश्व का भूगोल। तो चलिए सीकरी में देखते हैं, पूर्वी व तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? तो इसका नाम है नीलगिरी। जल डमरू से क्या अभिप्राय है? तो ये दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी होती है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा तीन महाद्वीपों को छूती है। तो ये भूमध्य सागर, याद रखिए भूमध्य सागर की सीमा तीन महाद्वीपों को छूती है। अगला, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये पनामा में नहर। अगला, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला, हिमालय आल्पस एटलस रॉकीज एंड्रीज किस प्रकार की पर्वत है? तो है ओवालिक पर्वत। अगला है, वनस्पतियों जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी में। अगला है, भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह है काराकोरम दर्रा। अगला है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो है पश्चिमी घाट। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला है, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मार्मा गोवा से तिरुवनंतपुरम तक। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। अगला है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। अगला है, गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? काकड़ा पार परियोजना। अगला, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जावा द्वीप पर स्थित है। अगला, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा को। अगला, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस। अगला, चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? कलपक्कम में। अगला, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? झारखंड पश्चिम बंगाल। अगला है, विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच। अगला है, मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति
इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। अगला है कोलोरेडो नदी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है सुरीनाम किस देश का नया नाम है? डच आयना का। अगला है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम के तट पर। अगला है निषिद्ध शहर का किसका उपनाम है? ल्हासा तिब्बत का। अगला है किस देश को प्रवासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। अगला है आइसोहाइट रेखाएं होती हैं वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। अगला है झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरेनांग के समीप शेषनांग झील। अगला है कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिकी झील, विवर्तनिक झील। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अगला है नंदा देवी हिमालय की किस भाग की चोटी है? कुमायू हिमालय भाग की। अगला है बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो है जम्बेजी नदी पर। अगला है सुपरसोनिक विमान की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है? समता मंडल। अगला है प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला है हमारा डक्कन मार्ग किन के मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। अगला है भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिच्छेद 3 राज्यों में स्थित है? पांडिचेरी। अगला है उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? मसूरी। अगला है कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? केरल। अगला है विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? मेलबोर्न, मॉस्को, वॉशिंगटन। अगला लावा से कौन सी मिट्टी का प्राप्त होती है? रेगुर मिट्टी। अगला फेरिज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? बेल्ड डाउन्स। अगला दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी। अगला कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? भूरूस मैन। अगला सरदार सरोवर परियोजना अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान 4 राज्यों में। अगला मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला दाचीग्राम वन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला गिर वन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभ्यारण्य है? गुजरात में जूनागढ़ जिला में शेरों का अभ्यारण्य है। अगला पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अगला गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लिब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है? न्यू फाउंडलैंड। अगला है हमारा रूम सागर कैरिबियन सागर बेफिन की खाड़ी हडसन की खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर है? अटलांटिक महासागर के। अगला है रेगुर मिट्टी की प्राप्त किससे होती है? लावा से। अगला है सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला कोलंबिया तथा ब्राजील में क्या कहा जाता है? लोनोज या कम लोनोज तथा कंपास कंपास। अगला है पॉलीकट एक वलयाकार लंगून झील है इसे समुद्र से अलग करने वाला द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा। अगला नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदावेता। अगला पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रे थाल घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? कोलकाता और पुणे। अगला पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत। अगला वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो पोप ग्रेगरी 13 को। अगला सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होती है? तो ग्रेनाइट चट्टान से। अगला 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम। अगला तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? टी सांगो। अगला देहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। अगला जायकवाड़ो
बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। अगला है चंद्र प्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी में के निकट। अगला है रेडियो आकाश गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल के नियम का। अगला है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थित स्थिति में होती है, यह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर उपसौर या त्रिहेलियन। अगला वह तिथि क्या है कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात दिन की अवधि बराबर होती है? विषुव। अगला है ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? बिली जेड जेड। अगला है भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गंगा का। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। अगला है जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। अगला है पिम्मी और ब्रुशमैन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? पिम्मी कांगो बेसिन में और ब्रुशमैन है कालाहारी मरुस्थल। अगला है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर। अगला है चंद्र प्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास। अगला है दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में मिलती है। अगला है झारखंड के जादूगोड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। अगला है वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? रियोन। अगला है भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु। अगला है इग्लू क्या होता है? बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर। अगला है पिग्मी जनजाति का निवास है कॉन्गो बेसिन। अगला है भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सकस झील से निकलती है? सतलुज। अगला है वूलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? झेलम नदी का। अगला है विशाल का तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र के रूप में। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए वीएन के विस्थापन नियम का। अगला है आवांतर ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच। अगला है अश्व अक्षांश से डॉल डे की तरह बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवन। अगला है विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? तो पश्चिम प्रशांत महासागर में। अगला है उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवान। अगला है कौड़धारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? ताकि वृक्षों हिम से रक्षा कर सकें। अगला है काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेंगुर मिट्टी के नाम से। अगला है देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में? हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ में। अगला है कोल भील गोंड बेंगा मुरिया आदि जनजातियों का निवास स्थान क्या है? मध्य प्रदेश। अगला है तेंदु पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है बीड़ी उद्योग। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। अगला है मोनोजाइट के संस्करण से प्राप्त होता है थोरियम। अगला है भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग उड़ीसा झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? विशाखापट्टनम। अगला है कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है बुशमैन। अगला है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है पनामा नहर। अगला हमारा जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं? अगला है कोयना परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला है आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य में है? राजस्थान से। अगला है हमारा क्वेश्चन भद्दावली इस्पात किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर।
अगला है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला है हमारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लिब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड। अगला है, पीर पंजाल श्रेणी का वेरीनाग स्थित किस नदी का उद्गम? झेलम नदी का। अगला है, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का क्या नाम है? बांदीपुर वन्य प्राणी अभयारण्य। अगला, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। अगला है, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो यह आयन मंडल। अगला है, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के कालगुरगी किसकी खानों के लिए विख्यात है? सोने की खानों के लिए। अगला है हमारा, अभ्यक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला है, भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार है 4.8 दशमलव 4 डिग्री से 37.8 उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतर है 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। अगला है, भारत में इसे याद रखिए ऐसे 84 से 378 याद रखिए, सॉरी यहाँ 376 होगा, ठीक है 6 होगा या 8 की जगह गलत छपा हुआ है, 84 से 376 उत्तरी अक्षांश, और इसे देशांतर को याद रखिए 687 से 97.25 पूर्वी देशांतर, ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी सागर, राजस्थान नहर इसे बोला जाता है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? पिंपरी पुणे में। अगला है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर। अगला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस स्थान पर 7,000 अरब घन फुट गैस के भंडार का पता चला है? कृष्ण गोदावरी बेसिन में। अगला है, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। अगला है, किस मध्यान रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? सौर दिवस। अगला है, विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है? दक्षिण अफ्रीका गणराज्य। अगला है, चंबल कैन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की। अगला है, पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस मुख्य उद्योग से है? तो कागज उद्योग से। अगला, मसाई जनजाति के पड़ावे को क्या कहते हैं? पड़ावे को तो काल। अगला, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतरदेशीय सार का क्या नाम है? काला सागर। अगला, ग्रेट ऑरिजिन आर्टीजियन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला, यूरोप के कौन से दो देश अंतर जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए? फ्रांस और इंग्लैंड। अगला है, पूर्वी भारत के सुंदरबन किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो यह मैंगो। अगला है, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना गर्त टेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला है, भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में। अगला है, हमारा यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित का काम करता है? एशिया और यूरोप के बीच। अगला है हमारा, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेली किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की है। अगला है हमारा, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान मध्यान रेखा। अगला है, स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? ग्रेगरी की। अगला है, पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारीख के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिन। अगला है हमारा, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान ओमान को। अगला है, बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स किस क्षेत्र का व्यवसाय है? प्राइवेट सेक्टर का। अगला है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में। अगला है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? दक्षिणी वास्टर्स। अगला, क्रकताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। अगला
अगला, लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। अगला, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अब सौर के दौरान। अगला है आर्टिजियन कुए किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? फरदार चट्टानों में। अगला है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिए 79,82,300 वर्ग किलोमीटर। अगला हमारा ओबरॉन टिटेनिया एरियल अम्बी थल और मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख ग्रह हैं? यूरेनस के। अगला हमारा लघु ज्वाय के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति होती है? परस्पर समकोण पर। अगला है रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में? नागा पर्वत श्रेणी में। अगला हमारा अरावतल पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? लूनी एवं यानास। अगला है वर्नल इक्वोवॉक्स कब होता है? 21 मार्च को। अगला स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में चलती है? इटली में। अगला असम से प्रथम पृथक कर बने राज्य कौन से? मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश। अगला विलाडी वोस्टक कहाँ स्थित है? रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगला है पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। अगला है खारतूम में किन दो नदियों का संगम होता है? नील व श्वेत नदियों का। अगला है लोह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुंदेमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला है नियाग्रा जलप्रपात किन दोषों कौन दो देशों को विभाजित करता है? तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। अगला है त्रिनिदाद और टोबेगी की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला है जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को कहा जाता है? उपसौर। अगला है काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। अगला है तिस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के। अगला है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? तो यह तंजानिया कीनिया और जायरे के मध्य। अगला है किन द्वीपों को प्रशांत महासागर के चौराहा उपनाम से जाना जाता है? तो यह हवाई द्वीप को। अगला है विश्व का सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो यह रोहतांग दर्रे से। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो याद रखिए अल्पाइन हलचल। अगला है पनियान वरुइल इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? केरल में। अगला है लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणी। अगला है मदर ऑफ पियरल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? ओजोन मंडल में। अगला है कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? निकल के लिए। अगला है पांच नदियों की पांच सागरों की भूमि से किसे संबोधित करते हैं? दक्षिण पश्चिम एशिया को। अगला है भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजाति का बहुल है? संथाल जनजाति। अगला है हमारा उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर गुजरात में। अगला है कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछार को क्या कहते हैं? नेरी बिलोसम। अगला है भारत में तीन सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से? उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक। अगला है गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। अगला है हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जल गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रेमलिन। अगला है भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग का लिहासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर निकलता है? जिलेपला। अगला है भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। अगला है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं सोमालिया इथोपिया जिबूती। अगला है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है नेपोमीटर।
अगला है, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं तथा यहाँ से कौन से खनिज निकाले जाते हैं? कर्नाटक लोहे ऐसा। अगला है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है, का नाम बताइए। तो 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा। अगला है हमारा, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल और कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहां ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। अगला हमारा, छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, कारण है यह क्षेत्र खनिज और शक्ति संसाधन से समृद्ध है। अगला हमारा, ओजोन परत का कार्य सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। अगला हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो यह ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर निकाल नहीं निकलने देता। अगला हमारा, डक्कन मार्ग किसके मध्य? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। अगला हमारा, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति है के हैं? तो मंगोलियन प्रजाति है। अगला, विश्व अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तूती कोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य प्रोतस है, जिस तट पर स्थित है? यह मालाबार तट पर। अगला है हमारा, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? जो मंडल में। अगला है हमारा, अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न भिन्न दिशाओं में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है, वे कौन सी हैं? नर्मदा और महानदी। अगला है, कोंकण रेलवे परियोजना किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अगला है, थीन बांध परियोजना किस स्थित है? पंजाब में रावी नदी पर, सावी या रावी? रावी। थीन बांध परियोजना है ये रावी नदी पर है, ठीक, याद रखिए रावी। अगला है, शिवालिक के पर्वत पाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये भाबर। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा लगभग होती है? तो 1140 सेंटीमीटर। अगला है, कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तम उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है? यह सेंट फेरी बैंक। अगला है, एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है, ये कहलाता है बहुफसली। अगला क्वेश्चन, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूना का। अगला है, सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। अगला है, बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर। अगला है, ओजोन परत की क्षरण के कारण इस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है जो स्थित है अंटार्कटिक पर के ऊपर। अगला है हमारा, लोहे अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन भारतीय बंदरगाह है? महत्वपूर्ण है विशाखापत्तनम। अगला है, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार में ने विक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो मैरिनस। अगला है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, इसके बावजूद यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण है? उत्तर में हिमालयी हिमालय पर्वत का स्थित होना। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। अगला है, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम पर। अगला है, महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण है पवन। अगला है, बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल पर। अगला है, हीरक किला एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णता पंत चिन्ह के पर्दीय क्षेत्रों पर। अगला है, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भीतियां मोलस्का डॉल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं वो स्थापित किया गया कच्छ की खाड़ी में। अगला है, मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया गया जाता है? एक
अगला है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में? गुजरात में। अगला है, अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, इसके पीछे किसका हाथ होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। अगला है, भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या छह है, जिसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु होती है? शिशिर शिशिर। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश। पहले पे राजस्थान। अगला है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई? कृष्णा नदी पर। अगला है, कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र। अगला है, बेला डीला किस एस्क के लिए प्रसिद्ध है? लोह एस्क के लिए। याद रखिए बेला डीला ये छत्तीसगढ़ में। अगला है, नंदी हिल्स किस शहर के पास है? बसा है बेंगलोर नदी के बेंगलोर के पास है। अगला है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की। याद रखिए त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और जो हमारी कर्क रेखा है ये भी त्रिपुरा से होकर गुजरती है। अगला है, तुंगभद्रा पेयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला है, मत्स्य उत्पादन सेंट फेरी बैंक क्षेत्र कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में। अगला है, बरमूडा द्वीप कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में। अगला है, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। अगला है, प्लैंकटन का विकास कहाँ होता है? ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लियाड शिखर सैडल पी स्थित है उत्तरी अंडमान में। अगला है, वुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ गुजरात में। अगला है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वान 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? 10:38 पूर्वान। अगला है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा? थेल्स ने। अगला है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? एरेटास्थेनीज ने। अगला है, टोडा गोंड भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। अगला है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अगला है, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? कावेरी नदी। अगला है, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 7%। अगला है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है? मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। अगला है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। अगला है, भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? 3/4। अगला है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर वन लाइनर में। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे। अगला है, निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। अगला है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला है, इनो किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? जापान में। अगला है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना स्थित है? फिलीपींस में। अगला है, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। अगला, अर्धरात्रि का सूर्य भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। अगला है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? कश्मीर में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है? नीलगिरी में। अगला है, बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में तथा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में।
अगला है डेटम तल क्या है, समुद्र तल की क्षैतिज तल से ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। अगला है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अगला है भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम है था, तो इसका नाम था चार्ल्स कोरिया। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं, टोरनेडो। अगला है महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, बेसाल्टिक चट्टानों से। अगला है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार में। अगला हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, हुसैन सागर झील। अगला है घूमर वगरिया तथा संकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो हैं राजस्थान के। अगला है भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया, श्री गंगानगर में। अगला है खग चंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गंगटोक सिक्किम में। अगला है फिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में वनों में। इसकी संख्या जायरिन बेसिन में सर्वाधिक है, इसका कद छोटा होता है तथा शरीर का रंग काला होता है। अगला है महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसे सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं जलमग्न कटक। अगला है यूकेलिप्टस ओक और वाटल किस प्रकार के वन के उदाहरण है, तो है मध्य अक्षांशीय सदा हरित वन। ये उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों में पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण पूर्वी भाग में, ब्राजील में दक्षिणी भाग में, दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी तट एवं ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला है संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाए जाते हैं, तो मत्स्य संसाधन। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जहाँ अधिक संख्या में मछली भोजन की तलाश में आती है। ग्रैंड बैंक तथा जापान के आसपास के सागर प्रमुख मत्स्य गहन क्षेत्र हैं। अगला है पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है, तो ये अवसादी चट्टान, परंतु इनका आयतन भूपर्पटी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही है। अगला है आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। अगला है मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है 132,000 वर्ग किलोमीटर। अगला है सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। अगला है रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, लोहे चूना मैग्नीशिया एल्यूमिनियम। फास्फोरस नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, याद रखिए फास्फोरस नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। अगला है कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु। यह परियोजना जल विद्युत परियोजना है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 535 मेगावाट है। आंकड़े 1993 के स्रोत पर आधारित हैं ये सब, ठीक है। अगला है पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है, अफगानिस्तान में। अगला है वारसा किस देश की राजधानी है, पोलैंड की। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में, गुजरात में। अगला है भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अगला 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है, 24 घंटे। अगला हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, देव घाटी को। अगला एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वह है ये बेरिंग जल डमरू। अगला जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। अगला उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो। अगला उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, अलकनंदा। अगला सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा
सेंचुरी या किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी समूह का। अगला है, उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं? रेड इंडियन और नेग्रो। अगला है, ऑप्शन शौरी एवं अपशौरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? एफ साइड रेखा। अगला है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। अगला है हमारा, जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। अगला है, किस निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूदा आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। अगला है, मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो यह सूर्य की आभासी मार्ग के तल की और पृथ्वी की धुरी का झुकाव। अगला है, भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर में। अगला है, कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है? तो वह सिकुड़ती है, चिकनी मिट्टी। अगला है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? जून से सितंबर। अगला है, प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए। अगला है, आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं ग्रीनविच से होकर गुजरती है जो। अगला है, भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ पर की जाती है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर। अगला है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जलडमरू है? पनामा। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? काटोपेक्सी 5,897 मीटर। अगला है, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है क्या कहलाता है? वांगर मैदान। अगला है, आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है केनेली हेवी साइड परत। अगला है हमारा, हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून। अगला है हमारा, अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवने। अगला है, मालागासी सोकोता जंजीवार तथा कोमोरी किस महासागर के द्वीप है? तो ये हिंद महासागर की। अगला है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाली बाला दर्रा कहा जाता कहाँ स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में। अगला है, पोलीकट एक बलयाकार लैंगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। अगला है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। अगला है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? संलग्न है भूटान के। अगला है, गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती तथा अथवा मानसूनी वन। अगला है, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है सागौन। अगला है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर। अगला हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। अगला है, अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार है उत्तर पश्चिमी भाग। अगला है, मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं जिन्हें कहा जाता है खमसिन। चलिए तो हम बात कर रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर देख रहे हैं। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रयाज्वार आता रहता है कहलाते हैं एस्चुरी। अगला, एलिफेंटा पास किन किन को अलग अलग करता है? तो श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को। अगला, जाली व्यास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। अगला, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लिब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है न्यूफाउंडलैंड। अगला, नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? यह पाल घाट। अगला, किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को।
अगला है, झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? बैरीनाग। अगला है ऊटक मंडलम ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में? तमिलनाडु में। अगला है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार, झारखंड। अगला है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। अगला है, वर्ल्ड वाइड फंड जो कि सन 1961 में जीवों वर्ग व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। अगला है, जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? फॉसिल। अगला है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल। अब उत्तरांचल को याद रखिए, उत्तराखंड भी बोलते हैं। अगला है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मानदेश समय में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है। अगला है, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो याद रखिए, कर्नाटक में लोहे अयस्क निकाला जाता है। सबसे लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्दारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुसुप्त ज्वालामुखी। अगला है, अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डोनर बैंक किससे संबंधित है? मछली उद्योग से। अगला, हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं? दक्षिण पश्चिम से। अगला है, तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो याद रखिए, 200 नॉटिकल मील। अगला है, उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा के। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिए, प्रशांत महासागर। अगला है, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य गहन क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला है, भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी या परतदार चट्टानों में। अगला है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये रॉकीज। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। अगला है, पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अगला है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा। अगला है, कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह विवर्तनी झील का। अगला है, मरुस्थलों में रवाते मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकृत करता है। अगला है, गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। अगला है, विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? हांग हो को। अगला, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। अगला, कश्मीर की घाटी स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। अगला है, भारत के दो सबसे अधिक साक्षर राज्य हैं केरल मिजोरम। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। अगला है, वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है हाइग्रोमीटर। अगला, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में। अगला है, फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। अगला है, हमारा हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। अगला है, अग्निवलय से जुड़ी भूकंपीय तरंग घटनाओं का क्षेत्र परिप्रशांत महासागरीय मेखला। अगला है, सनातनी पवने सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है।
इसमें कौन सी पवन शामिल है? व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है। अगला है, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? हल्की गैसें जैसे हीलियम, नियोन, कैप्टॉन, डीनोन। अगला है, हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनद की घाटियों के तल से अधिक नीचा होता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद की घाटियों को क्या कहते हैं? लटकती या नीलंबी घाटी। अगला है, 1948 के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंच पोखरी झील, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 5414 मीटर। अगला है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाऊ 16520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2004 के अनुसार। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 20.3%। अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, यह नहर पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई है? हरिके बांध से। अगला है, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, यह किस नदी पर बनी है? तो चेनाब नदी। अगला है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर। अगला है, भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू। अगला है, हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो ये अलकापुरी के हिमनद से। अगला है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, शनि के 22 उपग्रह, बुध और शुक्र के कितने उपग्रह है? कोई नहीं, उपग्रह नहीं है। अगला है, शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है, बुध सबसे छोटा है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला है, सौर स्थिरांक से हमारा अभिप्राय सूर्य ऊर्जा की उस मात्रा से जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणों से समकोण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है, इसका नाम है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। अगला है, वायु दाब और तापमान का परस्पर उल्टा संबंध होता है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट बल्कि वायु दाब में गिरावट आती है। अगला है, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अगला है, एओ किस राज्य की जनजाति है? नागालैंड की। अगला है, एस्बेस्टोस एक ना जलने वाला रेशेदार तत्व है, जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है, भारत के में इसके निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में। अगला है, पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम का सम्मिलित जल मिठान कोट के दौर थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? सिंधु नदी में। अगला है, हमारा वुलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, यह किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला है हमारा, जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, भारत में संसार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 16.7% भाग रहता है। अनुमान के अनुसार कब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से आगे निकल जाएगा? 2045 तक। अगला है, पृथ्वी के समान चंद्रमा की परिक्रमण पथ भी दीर्घ वृत्ताकार है, चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू कहा जाता है, दूरतम होने की स्थिति को क्या कहते हैं? अपभू। अगला है, पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है, दाब प्रवणता की दिशा पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनकी को निर्धारित करती है वेग। अगला है, विस्वतीय निम्न वायुदाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए
विवश करता है जिससे यहाँ निम्न वायु दाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इन इस न्यून वायु दाब क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? डोलड्रम। यहाँ याद रखिए ये जो 16.7% भाग है कुल जनसंख्या है, तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार 17.7% के करीब है। ठीक, चलिए तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, पूर्वी भारत अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा में मिल जाती है, बांग्लादेश में संयुक्त नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। देश की 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का औसत घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 9294 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है। राज्यों में सबसे अधिक घनत्व 904 पश्चिम बंगाल में, सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टन 8610 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। अगला है लौटते मानसून से कारामंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है? स्थानीय उच्चावच। अगला है हिमालयी सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मंगोलॉयड प्रजाति के लोग निवास करते हैं, निग्रोटो प्रजाति का निवास स्थान है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला है मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है, बकरियों की संख्या का सबसे अधिक किस देश में? भारत में। अगला है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियम स्टाम्बोली ज्वालामुखी को। अगला है हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से। अगला है भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। अगला है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पहाड़ी में मिलती हैं? पालनी पहाड़ी में। अगला है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस सहायक नदी है? कृष्णा नदी। अगला है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? चेनाब नदी पर, जम्मू और कश्मीर राज्य में। अगला है भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह राजस्थान में। अगला है महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर। अगला है सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है 7 मिनट 40 सेकंड। अगला है हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? एवरेस्ट का। अगला है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। अगला है तिस्ता नदी किस बेहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? ब्रह्मपुत्र नदी के। अगला है किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। अगला सैन फ्रांसिस्को से बिलाडी वोस्टक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? प्रशांत महासागर के ऊपर से। अगला है लाहौर से पर्वत श्रेणी किस देश में? नेपाल में। अगला है धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी। अगला है वर्जीनिया तमाकू प्रमुख किस देश में उगाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? ऐरावत पथ में। अगला है एशिया का मृतक सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। अगला है भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? गुम्बदाकार पठार। अगला है संसार का प्रसिद्ध डॉनवास कोयला क्षेत्र देश किस देश में है? यूक्रेन में। अगला है मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में? डिट्रॉयट में। अगला है वद्यावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोह इस्पात उद्योग के लिए।
अगला है पेम्परी पूरी किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। अगला है व्युत्क्रम ताप होता है ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। अगला है एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही क्रम है टुंडा टैगा स्टेपी सवाना भूमध्य रेखीय। अगला है विश्व का कहवा उत्पन्न कहलाता है साओ पालो। अगला है अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? लोह इस्पात उद्योग। अगला है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है दक्षिण एशिया क्षेत्र। अगला है राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला है व्हीली व्हीली क्या है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला है गुरु शिखर एक चोटी है माउंट आबू में। अगला है योजना द्वारा भारत की कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? 15 में। अगला है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अगला है पीरेनीज पर्वत किस देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? फ्रांस और स्पेन के बीच। अगला है वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज। अगला है कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? केरल में। अगला है बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है सोमेश्वर की पहाड़ियां। अगला है कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमालय हिमाचल प्रदेश में। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत से। अगला है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। अगला है डागर बैंक से तात्पर्य है पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से। अगला है इंदिरा पॉइंट क्या है? तो ये भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है नाम दिया गया है इसको। ठीक है। अगला है भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं? वे कौन कौन से देश हैं? 7 देशों से जुड़ी हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। अगला है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? केटू या कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर। अगला है हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित हैं। अगला है भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? 7 सिस्टर। तो यह पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्य असम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम त्रिपुरा। ठीक है। सिक्किम को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। असम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा है। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है? पांडा। अगला है जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। अगला है इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला है महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंगे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है एरी ने। अगला है गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? रिहंद। अगला है फिवाल विरंजन परिणाम है समुद्री जल प्रदूषण का। अगला है बरमूडा त्रिकोण स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? मलक्का जल संधि द्वारा। अगला जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में। अगला लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? प्रवाहित तो सिंधु। अगला हमारा उदयपुर की जावर खाने किस श्रेणी के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जिंक के लिए प्रभावित नहीं होती है यहाँ होगा प्रसिद्ध है जिंक के लिए जस्ता के लिए। ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। अगला है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में। अगला है होंग हो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में। अगला है हमारा सरिस्का सेंचुरी
चुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला ही, इंदिरा गांधी नहर किस नदियों के जल का उपयोग करती है? तो सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से जल मिलता है इसे। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। अगला है, वादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला है, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश है? ब्राजील। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसरों को देख रहे हैं। लुप्त हंसा किस देश की एयरवेज है? तो है जर्मनी की। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है? वेटिकन सिटी। अगला है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? केटू गोडविन। अगला है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो 14.90 करोड़ किलोमीटर। अगला है, रोडिम चतुर्भुज भूतक है चार विराट नगरों का, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग का। अगला है, योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 15 में। अगला है, गुरु शिखर एक चोटी है माउंट आबू में। अगला है, गोकुल ग्राम योजना चल रही है गुजरात में। अगला है, तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य हैं आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। अगला है, नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। अगला है, संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? कनाडा का। अगला है, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती हैं? तो ये नर्मदा और ताप्ती। अगला है, कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की 30% किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादकता असम में है जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा हो की जाती है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है, वगली हार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चेनाब पर है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में? मेघालय राज्य में। अगला है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के। अगला है, पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। अगला है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी। अगला है, विक्टोरिया द्वीप स्थित है कनाडियन आर्कटिक में। अगला है, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? सब समशीतोष्ण पहाड़ी वन में। अगला है, यूरोप के वॉस जेज और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? भैंसोर पर्वत ब्लॉक। अगला है, फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। अगला है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में? राजस्थान में। अगला है, किम रिले किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। अगला है, जियोग्राफिका के लेखक है इरे स्टोरथनीज। अगला, किस स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं में निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? हीदर ग्राफ। अगला है, उत्तराखंड की किस नदी पर हीरी बांध का निर्माण किया गया? भागीरथी और मिलंगना के संगम स्थल से नीचे। अगला, लेटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अगला है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन कहा जाता है मिस्टल को। अगला है, तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वे हैं कुनलुन हिमालय।
अगला है, कुकी एक मंगलाइड प्रजाति है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है? असम में। अगला है डोगर बैंक, जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन उत्पादक स्थल है, स्थित है उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट पर। अगला है भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली दो ट्रेन है, समझौता एक्सप्रेस अटारी लाहौर, उत्थान एक्सप्रेस मुनावाओ खोखरा पार। अगला है तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं वर्षा स्तरीय मेघों में। अगला है चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामा भरत पवन। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश है लाओरा। अगला है नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है विराट नगर। अगला है रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना, जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी है, अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां। अगला है नागरकोली श्रीलंका जाने के लिए किस जल डमरू खाड़ी को पार करना पड़ेगा? मन्नार की खाड़ी को। अगला है भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है? कोचीन में। अगला है मंगोलॉयड मिलती है पूर्वी एशिया में। अगला है हमारा सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है रूर स्थित है जर्मनी में। अगला है स्वेज नहर की लंबाई है 166 किलोमीटर। अगला है किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? तो यह पामीर के पठार को। अगला अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं पंपास। अगला इंदिरा गांधी नहर से किस क्षेत्र का भू दृश्य बदल दिया है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का। अगला है केगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए। अगला है किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र का। अगला है भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में। अगला है भारत का उपग्रह इनसैट 4B वर्ष 2007 में कहाँ से छोड़ा गया था? फ्रेंच गुहाना से। अगला है नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमायू हिमालय की। अगला है कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश ग्रह माना जाता है? तो स्टाम्बोली ज्वालामुखी। अगला है विश्व का कहवा पतन कहलाता है? सेंटोस। अगला है किस नगर को जापान का पीट्सबर्ग कहते हैं? ओसाका को। अगला है हमारा कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। अगला है तेलुगु गंगा परियोजना जल में किस राज्यों का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बंगलोर में। अगला है बंगी गम बक्की गम नहर का मुख्य उपयोग है नौका गमन। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है पंपास और स्टेपीज। अगला है नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत गिरा है? सतपुड़ा पर्वत। अगला है सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। अगला है वह नदी कौन सी है जिस पर सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किया जा गया? चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। अगला है तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलावा? 200 नॉटिकल मील। अगला है राष्ट्रीय परमाणु शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? नागपुर में। अगला है निषिद्ध शहर का किसका नाम है? लिहासा तिब्बत का। अगला है नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। अगला है भारत मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। अगला है फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा। अगला है जामनगर गुजरात में कारगत रिफाइनरी किस कंपनी की है? रिलायंस की। अगला है हमारा विश्व वन दिवस किस दिवस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला है जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। अगला है लद्दाख
एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी। अगला है उदयपुर की खाने जावर खाने किस श्रेणियों के श्रेणियों के बीच कौन सी किसके लिए प्रसिद्ध है? जिंक के लिए प्रसिद्ध है। अगला 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबाद राज्य पश्चिम बंगाल। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार है बिहार। अगला है भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया गया? मार्केटर प्रक्षेप पर। अगला है हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। अगला है नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। अगला है भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला है विश्व में लोहे इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है? पीट्सबर्ग। अगला है भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला है विश्व में लोहे इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है? पीट्सबर्ग। अगला है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में राज्य। अगला है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो याद रखिए पहले नंबर पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, टॉप 3 है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? याद रखिए वायुयान उद्योग के लिए। सागर माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे एवरेस्ट पर्वत को। विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जा कहलाता है सेंटोस। पाक जलडमरू स्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल खाड़ी के बीच। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? तो याद रखिए चीन के साथ। भारत में दालों का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगला है विश्व में सबसे अधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील साइबेरिया में। विराजिल धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। अगला है विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। अगला है सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल के यूरेनस मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो याद रखिए बृहस्पति और शनि। अगला है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में, केंद्रीय धान अनुसंधान। अगला है मिश्रित खेती किसे कहते हैं? विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करना। अगला है ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से। अगला है माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। अगला है जब 1953 में आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना? तो है कर्नूल। अगला है मानस किस नदी के सहायक किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला है जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियां। अगला है काहिरा में किस जलवायु क्षेत्र में? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। अगला है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 अवरोही क्रम में राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला है प्रसिद्ध कश्मीरी घाटी स्थित है महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच। अगला है मसाई का प्रमुख व्यवसाय है पशुचारण। अगला उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? तो याद रखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। अगला बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। अगला बेसाल्ट सेल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? सिलिकॉन की। अगला है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। अगला है कोयल कारों जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? झारखंड। अगला है टाटी टाटी
पाका रिफाइनिंग किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। अगला है जल चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला है गिलोप पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से। अगला है भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती हैं? तो ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अगला किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो यह है NH-7, यह वाराणसी से कन्याकुमारी है, 2369 किलोमीटर। अगला टारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को। अगला है कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की। अगला है हमारा कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर। अगला है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है? बेहद निकोबार द्वीप में। अगला है पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश। अगला है रेलवे कोच का कारखाना स्थित है? पैगम्बूर में। अगला है विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हड़सन की खाड़ी। अगला है कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का को स्पर्श करता है? तो है कैस्पियन सागर। अगला है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है लॉयड बिराज कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला है भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नेहा ओसवा ओसेवा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। डोल्डर में स्थित है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश। अगला है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह है पोर्ट सईद और स्वेज। अगला है बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए। अगला है वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? घाना में। अगला है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। अगला है कौन सा देश दक्षिण का वेटेन का कहलाता है? न्यूजीलैंड। अगला है कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? सिंगापुर। अगला है काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। अगला है एल मिट्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। अगला है पीरेनीज पर्वत किन देशों के बीच है? इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच। अगला है कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो यह कील नहर। अगला है पृथ्वी की भ्रमण गति है तो 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक लेक सुपीरियर लेक सुपीरियर। अगला हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो बेहद हिमालय श्रेणी। अगला है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? 25 मिलियन वर्ष। अगला है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां मानी जाती हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा तथा 25 डिग्री सेंटीमीटर से ऊपर का तापक्रम। अगला है किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? तो यह मंगल। अगला है वीली वीली क्या है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान। अगला है वेंगई क्या है? तो यह पश्चिमी एशिया की जनजाति। अगला है कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो यह दामोदर नदी। अगला है मालदीप किस महासागर का द्वीप समूह है? तो याद रखिए हिंद महासागर। अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? रायबरेली में। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में। अगला है डिंडीगुल किस राज्य में? तमिलनाडु। अगला है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अगला है विश्व का प्रसिद्ध डॉन वासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में।
अगला है भारतीय वन संसाधनों की आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। अगला है जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। अगला है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई? पिंपरी पुणे में। अगला है साओ पाओलो किस देश की नई राजधानी है? ब्राजील की। अगला हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। अगला है अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह किस देश में है? तो लीबिया उत्तरी अफ्रीका में। अगला विश्व का सबसे ऊंचा जलपात किस देश में है? वेनेजुएला में, दक्षिण अफ्रीका। अगला है गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? राजमहल पहाड़ियां। अगला खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में? मेघालय में। अगला है अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा और सोन। अगला है न्यू मोर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला है हार्मुज जलसंधि किन दो देशों से को अलग करती है? ओमान और ईरान को। अगला है कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ओसाका। अगला है पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी? तिनीदाद और टोबैगो की। अगला है हमारा अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो है मालवा का पठार। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर ऑनलाइनर में। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल भूटान चीन से मिलती है? तो याद रखिए सिक्किम की। अगला है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश। अगला है मालदीव किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। अगला है लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। अगला है भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट किस देश द्वीप में स्थित है? तो है बृहद निकोबार द्वीप में। अगला है किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पन्नाथुला स्थित है? तो सिक्किम की सीमा पर। अगला है रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। जीरो अगला है 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर किस द्वीप में स्थित है? दक्षिण अंडमान में। अगला एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। अगला भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 नॉर्थ से अक्षांश बस 77.12 ईस्ट देशांतर की दिल्ली की। अगला नासिक किस नदी के तट पर बसा है? गोदावरी के तट पर। अगला स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? 21 मार्च। अगला एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? मछली पकड़ना तथा शिकार करना। अगला ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी? बार बाडोरा। अगला विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार क्रॉस करती है? तो यह कांगो नदी। अगला है डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो याद रखिए अफगानिस्तान और भारत के बीच। अगला उड़ीसा में सिमली पाल वन अभयारण्य कहाँ है? मयूरभंज में। अगला यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? बेल्जियम को, बेल्जियम को। अगला भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट। अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला है नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? शांत महासागर। अगला है सीजगी क्या है? सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति। अगला है अल्बिडो क्या है? सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए
परावर्तित हो जाता है। अगला, किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए श्रीहरिकोटा। अगला, नोबियान मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। अगला, कोलंबिया का पुराना नाम है न्यू ग्रेनेडा। अगला, केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल में। अगला, भारत का सबसे लंबा बांध है? हीरा कुंड बांध। अगला, तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? कृष्णा नदी जल को चेन्नई लाना। अगला है, ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को अलग अलग करता है टारस जल संधि। अगला है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो यह हिमालय पर्वत श्रेणी। अगला है, राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? बेतवा नदी पर। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। अगला है, अलगजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। अगला है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। अगला है, विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लिए लोह अयस्क प्राप्त करता है? तो बाबा बुदन की खानों से। अगला है, हमारा तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या है? त्रिवेंद्रम। अगला है, न्यू फाउंडलैंड में कौन सी दो जलधाराएं मिलती हैं? लिब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। अगला है, काराकोरम जलमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। अगला है, सराजियो किसकी राजधानी है? बोस्निया हर्जेगोविना की। अगला है, यूट किस प्रजाति का घर है? खिरगीज का। अगला है, पूर्व सोवियत संघ किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया? तो है लेनिन ग्राड का। अगला है, हमारा राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई? तो है सतलज ब्यास से। अगला है, तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। अगला है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को। अगला है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। अगला है, अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाता है? मृत सागर में। अगला है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला है, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो याद रखिए मंगल का। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? गोदावरी। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? गोदावरी। याद रखिए स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र में से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर में। अगला है, रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? नीदरलैंड में। अगला, नीलगिरी पहाड़ियां की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा। अगला, किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? प्लूटो ने। अगला है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। अगला है, वाघ रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। अगला है, संसार का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त देश है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है, संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रणी देश कौन सा है? चीन। अगला, HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? अंकलेश्वर से। अगला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किससे कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को। अगला, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को। अगला है, पृथ्वी की निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष। अगला है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है?
ये होती है पश्चिमी विक्षोभों से। अगला, किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? क्षारीय मिट्टी को। अगला, हमारा साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया है? क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन होने की आशंका के कारण। अगला है, ओवरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत घर के लिए। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? NH2। अगला है, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में। अगला, हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर है? खेजौर। अगला है, बाटा नगर किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला, चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिसाल परीक्षण केंद्र के लिए। अगला है, भारत के किस राज्य में 99% से अधिक भू भाग पर वन है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। अगला है, भूमध्य सागर की कौन सी किसे कहा जाता है? कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि को। अगला है, केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट दर्रा। अगला है हमारा, वर्जीनिया तमाकू प्रमुख किस देश में उगाई जाती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व से संबंधित भूगोल। कृष्णा गोदावरी से दौड़नी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र? खनिज तेल का। अगला है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन के तट पर। अगला है, भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक राज्य में। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनालुआ लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप में। अगला है, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहां से भूज चाल उत्पन्न होता है? फोकस। अगला है, माउंट मैकेनली माउंट मैकेनली पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? यूएसए में। अगला है, तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? किलीमंजारो। अगला है, वेरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है, पूर्व सोवियत संघ किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया? लेनिनग्राड का। अगला है, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी? मॉरीशस की। अगला है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। अगला है, ओल्गा किसे कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को। अगला है, विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भीति कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे। अगला है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। अगला है, खेबर का दर्रा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। अगला है, समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? पृथ्वी के भूगोलन के कारण। अगला है, किस के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। अगला है, जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो कश्मीर और तिब्बत को। अगला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला है, सुंदरबन डेल्टा किस स्थित है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। अगला है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैली है? जलोढ़ मिट्टी। अगला है, भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वेरन द्वीप में। अगला है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। अगला है, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कुमायू क्षेत्र के हिमालय रेंज में। अगला है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? जिम्बेजी नदी पर। अगला है, कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। अगला है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया?
ब्यास नदी पर। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 5 राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की। अगला है नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अगला है मैक मोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? भारत और चीन। अगला है किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो याद रखिए हिंद महासागर में। अगला है बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है? 88 दिन के बराबर। अगला है मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द्वीही। अगला है मर्ड आइसलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? मुंबई। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैडल चोटी। अगला है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण किस राज्य में? हरियाणा में। अगला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। अगला है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग तेजी चीन में। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहता है? कश्मीर को। अगला है विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? यूरोप में। अगला है इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र की सीमाओं से। अगला है आदम ब्रिज किस स्थिति के पास कौन सा जलमरू है स्थित है? पाक स्टेट। अगला है समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? चैलेंजी द्वीप। अगला है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है सैंड चीव द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। अगला है अबूजा किस देश की नई राजधानी है? नाइजीरिया की। अगला है जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? कैरेबियन सागर में। अगला हीरा कुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी उड़ीसा में। अगला है उत्तर पूर्वी पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव गुवाहाटी। अगला है थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान की। अगला है पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। अगला है यूरोप का कौन सा देश तुलित पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? द नीदरलैंड्स। अगला है राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू। अगला है सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? पृथ्वी अपने अक्षय पर गोल्डन पश्चिम से पूर्व को करती है। अगला है कुदन कुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा ग्रह के लिए। अगला है यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय लगभग क्या होगा? प्रातः 8 बजे। अगला है भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफी दोनों के साथ साथ उगाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत। अगला है निवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। अगला है चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए। अगला है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोपी कहा जाता है? स्टेपी प्रदेश। अगला किस मिट्टी का रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? लेटराइट मिट्टी। अगला विश्व का सबसे ऊंचा एंजल पिपात किस देश में? वेनेजुएला। अगला रांची नगर किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार। अगला भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? नारकोंडम तथा बैरन द्वीप। अगला टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय होगा टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे। अगला है रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में। अगला है सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वैक सयंत के लिए। अगला है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। अगला है हाइड्रोकार्बन के स्रोतों की खोज तथा विकास से संबंधित किस संस्था का है? तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन का। अगला है भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है? दिंगबोई में। अगला आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है NH3। अगला तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी पानी संयंत्र के लिए। अगला कोल कौन से लोहे इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई? HSL राउल किला। अगला ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत घर के लिए। अगला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था?
सेंद्री में। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला है, अभ्यक उत्पादन अग्रणी उत्पादक दो देश हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, कांगो रिपब्लिक किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देश में से एक है? हीरा उत्पादन। अगला है, जर्मनी पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? हिंडन वर्ग रेखा। अगला है, विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई? अलकनंदा नदी पर। अगला है, कोपेन हेगन किस देश में स्थित है? डेनमार्क में। अगला है, सर्वाधिक आयु प्रणाली की है? कछुआ की। दोहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। अगला है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में। अगला है, केप कैनेवरल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? फ्लोरिडा के तट पर। अगला है, भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं जिसमें एक अरब सागर की तरफ दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है? अमरकंटक से। अगला है, एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तक से किसके लिए किया जाता है? बाहुबली के लिए। अगला है, विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? यूरोप में। अगला है, भारत की सीमा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। अगला है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर। चलिए, तो हम लोग भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं और उनके आंसर। ऑस्ट्रेलिया किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो है क्वींसलैंड में, उत्तरी भाग में। पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? चेनाब और रावी के बीच। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड। अगला है, भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से। अगला है, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, अल्फा फा क्या है? एक प्रकार की घास है। अगला है, कोरबा किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। क्रिकेट के खेल के लिए चर्चित सार जा है किस देश में है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। अगला है, सारा येओ किस देश की राजधानी है? बोस्निया व हर्जेगोविना। अगला है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। अगला है, क्यूरोसियो कैसे जल की धारा है? गर्म जलधारा। अगला है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में। अगला है, फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो माउंट पिनोटोवो। अगला है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? फेरीज। अगला है, हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का है? वलित पर्वत का। अगला है, भारत कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलाज खंड में। अगला है, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। अगला है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। अगला है, भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? झरिया और रानीगंज की खानों से। अगला है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सरावती नदी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में होकर जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में से होकर। अगला है, विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत। अगला है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडला जिले में। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंठक। अगला है, तिरुपति किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला है, रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में स्थित है? अमेरिका यूएसए में। अगला है, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? बांद्रा वैली सी लिंक मुंबई। अगला है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बेहद निकोबार द्वीप में। अगला है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? राजस्थान। अगला
अगला है जोजीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। अगला है कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला मध्य प्रदेश में। अगला है तस्मानिया किस देश का भाग है? न्यूजीलैंड का। अगला है सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अगला है कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साटा के उपनाम से जानी जाती हैं? पछुआ हवाएं। अगला है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। अगला है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। अगला है भारत कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलाजखंड में। अगला है किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH-7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला है गीजा का ग्रेट स्फेंक्स किस देश में स्थित है? मिस्र में। अगला है विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? हडसन की खाड़ी। अगला है हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? फोल्डर। अगला है हुन किस देश की नई राजधानी का नाम है? लीबिया। अगला है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को। अगला है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। अगला है मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। अगला है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? पंजाब हरियाणा राजस्थान। अगली मॉरिशस की राजधानी है? पोर्ट लुइस। अगला है आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती हैं? महासागरों व महासागरों की लवणता। अगला है कौन सा देश तटित गर्जन कहलाता है? भूटान। अगला है स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? रूपांतरित। अगला है औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? फ्रांस में। अगला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला है पृथ्वी सूर्य के परिता अपने कक्षा में लगभग किस गति से चलती है? से चक्कर लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन की। अगला है राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी। अगला है भारत में कोयला की सबसे अधिक भंडार कहाँ है? झारखंड और उड़ीसा में। अगला है भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए गए? सर्वे ऑफ इंडिया के। अगला है टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। अगला है फाकलैंड धारा प्रभावित होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। अगला है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषण है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है वो स्पोरस जलसंधि किन्हें जोड़ती है? काला सागर और मार्मरा सागर को। अगला है विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब। अगला है एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 7 तक। अगला है वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पोप गेगरी 13 को। अगला है चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो याद रखिए लैंगून झील है। अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? वेटेन के सहयोग से। अगला है खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। अगला है तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है अरावली पहाड़ियां में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सर्वाधिक समीप पड़ता है? अजमेर के। अगला है कार्डोमम हिल कहाँ स्थित है? केरल में। अगला है विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है, यह देश कहाँ स्थित है? यूरोप में। इसका नाम है वेटिकन सिटी। अगला है फेयरवेल केप किस देश की दक्षिणम बिंदु है? न्यूजीलैंड का। अगला है कालीकट कोचीन और वेरावल नगर किस लिए जाने जाते हैं? मत्स्य पालन के लिए। अगला है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। अगला है भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। अगला है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध। अगला है खमेर रूज किस देश से संबंधित है? कंबोडिया से। अगला
अगला है उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर। अगला है पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है? हिमाचल प्रदेश की। अगला है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बेहद निकोबार द्वीप में। द्वीप में अगला है सेकांकू द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? चीन और जापान के बीच। अगला है यूट किस प्रकार का प्रजाति का घर है? खिरगीज का। अगला है ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। अगला है कौन से देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला है कहाँ के आदिवासी पपुआ आन कहलाते हैं? द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप। अगला है सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। अगला है हुन किस देश की राजधानी का नाम है? लीबिया की राजधानी। अगला है अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी। अगला है जेरूसलम स्थित है इजराइल में। अगला है सोने की खाने के लिए प्रसिद्ध कैम्बरले दक्षिण अफ्रीका के किस देश में स्थित है? जेरे में। अगला है भारत के विशाल बंदरगाहों में एक न्यावासवा किस सेवा राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। अगला है भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कहाँ है? कांडला। अगला हिमालय की चोटी नामचे बरवे कहाँ स्थित है? असम में। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलाजखंड में। अगला है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? हरियाणा में। अगला है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। अगला है पनामा जलमरू के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? हम्बोल्ट ने। अगला है विश्व का कहवा पतन किस बंदरगाह को कहते हैं? सेंटोस को। अगला है हेली पुच्छल तारे का सूर्य के इर्द गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। अगला है फेराउज जल संयोजक किन द्वीपों को अलग करता है? होकेडो तथा साखालीन द्वीपों को। अगला